वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मीशो शर्ट हॉल, ठीक है। मैंने मीशो से कुछ मॉडर्स्ट शर्ट्स ऑर्डर किए हैं। ड्रेसेस तो मैं हमेशा करती हूँ, कॉर्डसेट भी हो गया, और तो मैंने सोचा क्यों ना मीशो से शर्ट ऑर्डर करके देखा जाए कि कैसा आता है। मैंने सारे ही ट्रेंडिंग शर्ट्स ट्राई किए हैं अब की बार, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल, एवरीथिंग इज़ अंडर 500 रुपीज़, और 200 रुपए के भी मैंने शर्ट ऑर्डर किए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। कि मैंने ऑर्डर किया था एंड दिस इज व्हाट वी रिसीव्ड गाइस। जैसा दिखा था वैसा ही आया, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। रेड एंड व्हाइट चेक्स जैसा प्रिंट है, ठीक है, और ये पूरा ओपन बटन है। इसका जो कॉलर है ना, नॉर्मल शर्ट के कॉलर जैसा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। मतलब एक विंटेज लुक देता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। लाइक एक कॉटेज गर्ल लुक देता है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इसको आप वाइट स्कर्ट के साथ में पहन सकते हो। मेरे पास स्कर्ट नहीं था वाइट कलर का, तो इसीलिए मैंने इसको वाइट ट्राउजर के साथ में पैर किया। यू गाइस कैन सी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और ये आप पूरा ओपन भी कर सकते हो। तो मैंने अंदर एक शर्ट पहनी थी, उसके साथ में भी मैंने स्टाइल किया। आप जीन्स के साथ में भी पहन सकते हो, ट्राउज़र के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो। इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, इतनी ही लेंथ आती है। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, पर या अच्छा लगा मुझे, मॉडेस्ट है। तो जो पहला परचेस है ये तो सक्सेसफुल हो गया भाई, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी स्लीव में इलास्टिक नहीं है, ऐसे ही वो शर्ट में जैसा आता है ना, वैसे ही यहाँ पे बटन दिए गए हैं, वैसा ही कुछ आया। सेकंड देखते हैं सेकंड क्या हमने खरीदा है। सेकंड जो ड्रेस है वो मैंने ये देखे ऑर्डर किया था। ये शर्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, आजकल नहीं तो बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम से है, H&M ज़ारा में है, मैंने भी ख़रीदा था। पर या अब की बार मैंने मीशो से ट्राई किया, मैंने मीशो से ये देख के ऑर्डर किया है। This is what we received, you guys. लाइट पिंक तो ये कहीं से नहीं लग रहा है, ये मुझे पर्पल लैवेंडर में सा लाइट सा कलर लग रहा है। मतलब धोखा हो गया गाइस, मेरे साथ धोखा हो गया। जैसे मैं ओपन करके देखी, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मैंने तो ये कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था ऐसा। पर ये जो मेरा परचेस था ये है, ये बिग, क्या बोलते हैं, इट्स अ बिग नो, ठीक है। मटीरियल कॉटन है इसका, पर अगेन यू नो ऐसा लग रहा है मैं मेरे हस्बैंड का या फिर पापा का अपना शर्ट पहन रही हूँ। इतना ही कोई बड़ा है, और ऐसे लेडीज़ वाले कुछ है ही नहीं यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, नहीं नहीं पॉकेट नहीं है, ठीक है, पॉकेट नहीं है। लाइक यू गाइस लुक एट द क्वालिटी, इसके पीछे भी कुछ ऐसा है। क्वालिटी ठीक है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक है, कॉटन है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, ठीक भी नहीं, क्वालिटी अच्छी है। पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, अच्छा लगा, पर मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने पिंक कलर ऑर्डर किया था, मतलब मैं यहाँ पे फोटो देख रही, मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे ये आ गया। पहनने के बाद ही कुछ ऐसा लगता है, लाइक ऑब्वियसली वे मैं रिटर्न तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वालिटी अच्छी लगी। अगेन आई एम सेइंग क्वालिटी इसकी अच्छी है, कॉटन मटेरियल है, एकदम यू नो असल कॉटन है, और ट्रांसपेरेंट भी ज़्यादा है नहीं। आप इसको ऐसा ओपन करके अंदर एक टी शर्ट पहन के भी इसके ऊपर से पहन सकते हो। बहुत सारा मैंने स्टाइलिंग इसमें ट्राई किया और भी करने वाली हूँ, तो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यू गाइस कैन सी। एंड या इट्स अ बिग नो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मीशो ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। कलर ये लोग बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो ये आप हॉल वीडियो अगर देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इट्स अ बिग नो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बाकी जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा, आप इसको वाइट ट्राउजर के साथ में पहनोगे तो बहुत प्यारा लगेगा, जीन्स के साथ पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा, पर दिस इज़ नॉट वट आई एक्सपेक्टेड। थर्ड जो मैंने ऑर्डर किया है वो मैंने ये देख के ऑर्डर किया था, एंड यू गाइज आई वॉज वेरी मच लाइक कैसा आएगा, क्योंकि ये वाले के साथ तो ऐसा हो ही गया था। इसके बाद में मुझे ये वाला रिसीव हुआ, दिस वन आई ऑर्डर्ड, अगेन पिक्चर में कुछ ऐसा लग रहा था, एंड दिस इज़ वॉट आई रिसीव यू गाइज। जो मैंने कलर परचेस किया था वो है ही नहीं, मैंने लेमन येलो कलर ऑर्डर किया था, और ये क्या है, ये कहीं से लेमन का कलर तो नहीं दिख रहा मुझे। मतलब सब बिग नो, और इसमें ऐसा पॉकेट भी दिया गया है, मतलब क्या रखूँ भाई, मैं क्या रखूँ, मैं रिक्शे वाली हूँ जो मैंने यहाँ पे चीज़ें रखनी है। मतलब बिल्कुल नहीं पसंद आया यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, आई जस्ट हेटेड। और इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप अंदर कुछ भी पहनोगे तो वो दिखेगा, मतलब अंदर बिना टी शर्ट का आप नहीं पहन सकते हो। कभी दिल किया से वैसे ही शर्ट पहन के जाने का तो नहीं, बिग नो। सेकेंड वाला मैं रख रही हूँ क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी कलर प्रॉब्लम आ गया, बट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं था। इसकी क्वालिटी तो भाई कुछ है ही नहीं, यू गाइस कैन सी, पूरा इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, और इतना गंदा कलर आया है। मतलब कोई तो फ्री में दे तो भी मैं ना पहनूँ, मेरे को समझ नहीं
नहीं आ रहा था उसको मैं स्टाइल कैसे करूँ, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैंने ये स्टाइल किया है। बट आई हेट द क्वालिटी, मटेरियल इतना गंदा है, और ये मैंने साइज ऑर्डर किया था लार्ज, लार्ज साइज कुछ ऐसा दिखता है। आई हेट दिस, बिल्कुल नहीं अच्छा, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करूँ। हटाओ उसको, हटाओ हटाओ, दफा करो। तो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया उसके बारे में बात करते। नेक्स्ट मैंने डेनिम का शर्ट ऑर्डर किया फाइनली। अब देखते ये कैसा रिसीव हुआ है। ये मुझे पिक्चर में कुछ ऐसा दिख रहा था और ये मुझे 400 के अराउंड पड़ गया है। तो दिस वन आई ऑर्डर्ड एंड ये मैंने देख के परचेस किया, ये मेरा लास्ट परचेस है। तो लेट्स सी कैसा रिसीव हुआ है, एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड फाइनली। ये तो बहुत अच्छा आया है, ठीक है, जो मेरे को फोटो में दिख रहा था वैसा ही आया। मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा कोई लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड है। साइज़ मैंने इसमें परचेस किया एक्सेल, एक्सेल साइज़ के हिसाब से तो उतना लूज़ नहीं है मुझे, बट या यू गाइस कैन सी। पहनने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आप इसको पूरा ओपन कर सकते हो पीछे से भी ऐसा, ऑब्वियसली शर्ट है तो पूरा ही ओपन करोगे, पर या आप पूरा ओपन कर सकते हो। मटेरियल इसका अच्छा है, एक कुर्ती टाइप ऑफ आपको एक लुक भी दे सकता है। ये आगे इसका ऐसा कुछ वर्क दिया गया है इसीलिए, एंड पीछे भी ऐसा आ जाता है, और मतलब डेनिम के जीन्स के जैसा ही दिखता है, पर ये जीन्स मटेरियल नहीं है, एकदम ऐसा ना छोटा हो जाएगा, एकदम कॉटन मटेरियल जैसा ही है। फैब्रिक इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, पहनने के बाद आप देख सकते हो कितना ही कोई प्यारा लग रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका फैब्रिक एंड एवरीथिंग। आई लव द क्वालिटी ऑल्सो। आप इसको इसकी जो स्लीव है वो छोटी करके भी पहन सकते हो, पर मुझे तो नहीं पहनना। पर यहाँ पे ऐसा बटन दिया गया है, आप उसको स्लीव ऐसे ऐसे करके ना छोटी भी कर सकते हो। एंड क्या, दिस इज हाउ इट लुक्स। लेट मी नो आपको ये वाला कैसा लगा। ये वाला मुझे बहुत कोई अच्छा लगा, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा लास्ट परचेस था मीशो से, एंड या दैट्स इट, इतना ही था आज के वीडियो में। एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, शर्ट ही है पर वो मीशो से नहीं है, मिंत्रा से है, तो मैंने सोचा वो भी क्यों ना आपको दिखाया जाए। ये वाला मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है, और जितनी भी क्वालिटी मैंने मीशो में आपको दिखाई है ना, ये इसके लेवल की है ही नहीं। इतना अच्छा मटेरियल मुझे मिंत्रा से मिल गया है, लाइक वाओ। इसका जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई लव द क्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मिंत्रा में जब आपको ये इसका ओरिजिनल प्राइस 1849 है, मतलब 2000 के अराउंड ये शर्ट है, और अब मुझे मिंत्रा में 400 का मील गया। तो ऑब्वियसली मैं आजकल मीशो से ज़्यादा मिंत्रा से शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आजकल आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए मिंत्रा हॉल वीडियोस। आई एम इन लव विद द क्वालिटी। आप मिंत्रा मेरे हॉल वीडियो देखते नहीं हो यार, प्लीज़ लिंक जो भी है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दूसरे मैंने मिंत्रा के वीडियोस का, वो जाके देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मीशो का वही प्राइस रेंज आपको मिंत्रा पर मिल रहा है, और क्वालिटी ब्रांडेड चीज़ें मिल रही है, तो क्या ही बुराई है गाइस, कैन सी कितना ही कोई अच्छा इसका क्वालिटी है। आई लव दिस वर्क। सो या दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत ज़्यादा प्यार देना, बिकॉज आजकल प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इतना मुझे हेट कमेंट आ रहा है कि बस कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखा दो कमेंट सेक्शन में। मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ, इट मीन्स अ लॉट गाइस, आपका थोड़ा सा प्यार बहुत मायने रखता है। तो या आज के लिए इतना ही, बाय बाय।